कोरोना लॉकडाउन के बीच इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला किया है। 22 मई यानी कल से पैसेंजर ट्रेन चलेंगी। फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 15 शहरों के लिए ही ट्रेन चलेंगी। इन ट्रेनों की बुकिंग आज शाम 4 बजे से ऑनलाइन शुरू कर दी जाएगी। ट्रेन की टिकट आप काउंटर से नहीं ले सकते हैं। ये सभी एसी ट्रेन होंगी जो स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेन खुलेंगी। ये सभी ट्रेनें लिमिटेड स्टॉपेज के साथ चलेंगी और कंफर्म टिकट वाले ही यात्रा कर सकेंगे। स्टेशन पर यात्रियों को 2 घंटे पहले आना होगा। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ट्रेन में एंट्री मिलेगी। ट्रेन में केटरिंग की सर्विस भी नहीं होगी। इसके अलावा श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलती रहेंगी। आपको बता दें कि रेलवे इतिहास में ये पहला मौका है जब पूरे भारत में ट्रेन की सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। IRCTC के जरिए आज से बुकिंग शुरू हो जाएगी शाम 4 बजे से। और फिलहाल एसी ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। और हमारे सहयोगी कुंदन सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन, यकीनन ये एक बड़ा फैसला है और इस वक्त जरूरी भी है, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना होगा यात्रियों को? क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं और किन शहरों के बीच ट्रेन चलने जा रही है और लिमिटेड स्टॉपेज की बात की जा रही है, वो कैसे तय किया गया है? बिल्कुल, देखिए ये 15 बड़े शहर हैं जो कि दिल्ली से जुड़ेंगे और ये दोनों साइकल्स में जुड़ेंगे, यानी दो पेयर ऑफ ट्रेन चलेगी। एक अगर दिल्ली से पटना ट्रेन जा रही तो दूसरी ट्रेन पटना से दिल्ली की तरफ आएगी। उसी तरह लखनऊ, मुंबई, भोपाल, जबलपुर, देश के कम से कम बड़े शहरों को पहले चरण में जोड़ा गया है और 15 वो ट्रेनें होंगी, यानी दोनों डेस्टिनेशन दोनों तरफ से चलेगी और 30 एक तरह से पेयर ऑफ ट्रेन होगी। और जहां तक इनका स्टॉपेज का सवाल है, अमूमन ज्यादातर ये राजधानी प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन होगी, तो प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेनों में वैसे ही मिनिमम स्टॉपेज होता है मेल एक्सप्रेस की तुलना में। अगर आप दिल्ली से पटना की बात करें तो हो सकता है कानपुर, इलाहाबाद या मुगलसराय के बीच में स्टॉपेज दे दिया जाए। उसी तरह दिल्ली से कोलकाता के बीच में चल रही हो तो आसनसोल, जसीडी, गया ऐसे स्टेशन पे दे दिया जाए। मुंबई के रूट में चले तो हो सकता है कि कोटा, सूरत, बड़ोदरा होते हुए दे दिया जाए। तो कुल मिलाकर एक लिमिटेड स्टॉपेज के साथ और फुल ऑफ पैसेंजर के साथ ये ट्रेनें चलेगी और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग आज के डेट में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो एसी चूंकि कोच है तो मुझे लग रहा है कि जो थर्ड एसी का कॉम्पोजिशन होता है जिसमें पारंपरिक तौर पे 72 लोग बैठा करते थे, उनको 52 पे लाया जाएगा और एक साइड में जो 3-3 सीटें बैठा करती उसमें 2-2 लोगों को बैठाया जाएगा। बाकी अगर सेकेंड एसी के कॉम्पोजिशन पे बात करें तो पहले ही 2 लोग ऑलरेडी बैठा करते हैं। किराया एक बड़ा सवाल है, किराया इनका राजधानी की कैटेगरी होगा। बुकिंग इसमें आप IRCTC की जो वेबसाइट है जो आज शाम 4 बजे से खुल जाएगी उस पे ही कर पाएंगे और कंफर्म टिकट मिलने के बाद ही आपको स्टेशन परिसर के अंदर जाने दिया जाएगा। स्टेशन परिसर के पास रेलवे प्रशासन की अपील है, थोड़ी देर में दिन में आज गाइडलाइन आ जाएगी कि कम से कम 2-2.5 घंटा आपको पहले आना पड़ेगा जिससे आप अपनी थर्मल स्कैनिंग करा सके और एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके पारी पारी अपनी इंतजार चेकिंग मेडिकल चेकअप के बाद आप ट्रेन को बोर्ड कर सकेंगे। इसके बाद राज्य सरकारों के लिए सुनिश्चित करना होगा कि जो डेस्टिनेशन पर आदमी जाता है वहां से अपने गंतव्य के लिए अगर जाता है तो कुछ व्यवस्था किया जाए, या निजी गाड़ी अगर कोई लेके आता है तो उनके लिए गाड़ी का परमिशन दिया जाए। मसलन आप मान लीजिए कि कोई ट्रेन, अगर कोई शख्स आज दिल्ली में ट्रेन बोर्ड करने आ रहा है, वो दिल्ली के किसी कोने से हो सकता है कल के लिए, और वो उस अपने घर के डेस्टिनेशन से स्टेशन तक ट्रैवल करे, अगर वैलिड टिकट है तो उसको गाड़ी अलाउ किया जाए। ये सब भी गाइडलाइन ठीक थोड़ी देर में आ जाएगी। सो कुल मिला के शुरुआती दौर में 15 से ट्रेन स्टार्ट हो रही है और माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसको 100-150-300 तक लेके जाया जाएगा। और जब तक लॉकडाउन का पीरियड रहता है, इसके बाद क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स रहता, हो सकता है कि आने वाले वक्त में बड़े स्टेशनों को छोड़ के छोटे शहरों के बीच में भी ट्रेन जाए। जैसे कि अगर आप अभी कोई राजधानी जा रही है, अगर अहमदाबाद की बात करते हैं, अहमदाबाद हालांकि रेड जोन और बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने की वजह से वहां ट्रेन नहीं दी गई, लेकिन बिहार की बात कर ले तो नॉर्थ बिहार के हिस्से में जा सकती, यूपी की बात कर ले। समझने वाली बात, अगर ट्रेनों के संचालन के तौर पर देखा जाए तो क्या ये संकेत है कि लॉकडाउन खुलने जा रहा है? और क्या ये भी मुमकिन है कि अगर संचालन के बाद
केसेस में इजाफा होता है, तो आप जो बता रहे हैं कि आगे और भी ट्रेन चल सकती हैं, लेकिन इस फैसले को रोक दिया जाए आगे? देखिए बिल्कुल, कल चीफ सेक्रेटरी की बैठक में बहुत साफ कहा गया था कि अगर लॉकडाउन आगे कंटिन्यू भी रहा तो लेकिन ईज आउट के तरीके से और नए तरीके का लॉकडाउन होगा, और वो लॉकडाउन में आपकी जिंदगी भी चलेगी, कंटेनमेंट जोन भी चलेंगे, जो मरीज होंगे वो एक सर्टेन एरिया में क्वारंटाइन होंगे। हो सकता है कि सरकार क्वारंटाइन तो छोड़िए, अब कल दिल्ली सरकार का एक बयान आया कि अगर आपका इलाज भी है तो आप घर पे रह के इलाज कराइए, बहुत हालत खराब होती तो अस्पतालों में आइए। तो जो सरकारें हैं वो शुरुआती दौर में केस को समझ के अपने आंकड़े के साथ, जैसे दिल्ली सरकार ने कहा। बहुत शुक्रिया बंदन फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।